भैया पार्वती का पूजा करते, शिव शंकर का पूजा करते कि हमारे पति का उम्र और बड़ा। ये हमारी ऐसी पूजा है जो पूर्वजों से चली आ रही है। ये पूजा तीज का व्रत हम लोग अपने पति के सुहाग के लिए करते, अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए करते हैं। आप तीज का व्रत है, निर्जला व्रत है, 24 घंटे निर्जला व्रत रहते हैं। यहाँ अनंतनाथ धाम अकोली में ये व्रत हो रहा है मंदिर पे। यहाँ बड़ी उत्साह के साथ सब लोग यहाँ पूजा करे, धूमधाम से मनाते हैं ये सब पर्व। यहाँ पर देखिए माता पार्वती, गणेश भगवान, शंकर जी का पूजा करते हैं। माता पार्वती को चुंदी भी चढ़ाते हैं, बिंदी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, सब चढ़ते हैं। बस सुहाग का पूरा जितना टोटली सामान है सुहाग का सब हम चढ़ाते हैं यहाँ पे माता पार्वती को, और अपने सुहाग के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं। ये हमारी ऐसी पूजा है जो पूर्वजों से चली आ रही है। ये पूजा आप देखिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई, सभी माताएं कितने धूमधाम से इस पूजा को बना रही हैं, तीज व्रत को कर रही हैं। ये सब बड़ी श्रद्धा लगन से कर रहे हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं अपनी पति के लंबी उम्र के आय के लिए यहाँ पर आकर माता पार्वती और भोलेनाथ अनंतनाथ धाम अकोली में आकर इतनी उत्साह के साथ पूजा कर रही हैं। मैया पार्वती का पूजा करते, शिव शंकर का पूजा करते कि हमारे पति का उम्र और बड़ा हो। आज ये तीज इसी को लेकर, हाँ इसी के लिए कल हम लोग खरना करेंगे सुबह में।